हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अनअकैडमी स्टूडियोज एस्केप वेलोसिटी चैनल पर, जहां पर कि मैं ब्रजेश जिंदल आप लोगों को पढ़ा रहा हूं फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखी रही है उसके बारे में मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि आप अब अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री फॉर 7 डेज। ठीक है ना, 7 डेज का फ्री ट्रायल आपके लिए लेकर आया अनअकैडमी, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री, जिसके अंदर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी प्लस आप लोग एक्सेस कर पाओगे। तो उसके लिए करना क्या है आपको, सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी लर्नर ऐप अपने प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड फोन्स पर ये फीचर अवेलेबल है। तो आप अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर जाइए, डाउनलोड करिए, उसके बाद अपने फोन नंबर से लॉगिन करिए। ठीक है, अपना लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप गोल सेलेक्ट करोगे तो आपके पास में ऑप्शन आएगा इस टाइप से कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है या फिर फ्री ट्रायल करना है। तो अभी मैं बोल रहा हूं आप सब्सक्राइब मत करिए, आप पहले फ्री ट्रायल लीजिए। फ्री ट्रायल लेने के बाद ऑटोमेटिकली ही आप लोग स्विच कर जाएंगे किसके ऊपर, फुल टाइम सब्सक्रिप्शन के ऊपर, इतनी मेरी गारंटी है। तो आप खुद यूज करिए और उसके बाद सेलेक्ट करिए कि आपको अनअकैडमी प्लस रेगुलरली सब्सक्राइब करना है और क्यों करना है। ठीक है, आज के इस लेक्चर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही अनोखा टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है क्या, लेबलिंग ऑफ ओलियम। ठीक है, आईटी जेई के कंटेक्स्ट में अगर बोला जाए तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है ओलियम से, और जब भी क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है, कई सारे टीचर्स को भी समझाना नहीं आ पाता है बिकॉज वो खुद ही उसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन आज की इस क्लास के अंदर हम लोग पूरी की पूरी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक को, विच इज लेबलिंग ऑफ ओलियम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। जैसे कि पहली चीज तो मेरा जो टाइम स्लॉट है अनअकैडमी स्टूडियोज एस्केप वेलोसिटी पर, 2 स्लॉट्स है, एक मॉर्निंग में 9 to 10 और एक इवनिंग में 5 to 6, और इन पर मैं आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स डिलीवर करूंगा। और इनमें ना सिर्फ थ्योरी लेक्चर्स होंगे, नई नई चीजें हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे किसी एक पर्टिकुलर दिन पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, किसी एक पर्टिकुलर डे पर सिर्फ लाइव क्विज होगा। तो ऐसी नई नई चीजें धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होती रहेंगी और टाइमिंग यही रहेगा 9 AM to 10 AM एंड इवनिंग में 5 to 6 PM। साथ ही साथ अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस, तो 2 कोर्सेज मेरे ऑलरेडी चल रहे हैं वहां पर। एक ड्रॉपर का कोर्स है पहला वाला, जो मतलब 12th पास वाले बच्चों के लिए, लेकिन 12th वाले बच्चे भी अटेंड कर सकते हैं बिकॉज इसके अंदर मैं 11th और 12th दोनों को कवर कराऊंगा। और दूसरा कोर्स अभी अभी स्टार्ट किया मैंने, और ये है क्लास 11th के लिए, अभी ये क्लास 11th के लिए है, और जैसे ही क्लास 11th खत्म हो जाएगा यही कोर्स क्लास 12th के लिए भी बन जाएगा। तो अगर आप 2021 के लिए ट्राई कर रहे हो या फिर जेई 2020 के लिए ट्राई कर रहे हो, दोनों के लिए मेरे कोर्सेज अवेलेबल है, जहां पर आप एडवांस लेवल की फिजिकल केमिस्ट्री मुझसे पढ़ सकते हो। और उसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका 7 डे का फ्री ट्रायल आपको अवेलेबल करा रहा है अनअकैडमी इटसेल्फ। प्लस के ऊपर ऐसा नहीं कि सिर्फ कोर्सेज ही हैं, नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, लार्ज नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, मैथमेटिक्स के नंबर ऑफ कोर्सेज देख सकते हो आप, केमिस्ट्री के देख सकते हो, फिजिक्स के, उसके अलावा भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे रेगुलरली डाउट सेशंस वहां पर कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है ना, रेगुलरली टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराई जाती है, उसके अलावा क्विज सेशंस होते हैं, मेगा क्विज सेशंस होते हैं, DPPs आपको प्रोवाइड करवाई जाती है टीचर्स की तरफ से। तो वो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिनको आप खुद ही फील कर सकते हो जब आप अनअकैडमी का प्लस ट्रायल के ऊपर स्टार्ट करोगे। ठीक है ना, तो जल्दी से जल्दी आप क्या करो, अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करो। करना कैसे मैं एक बार बता भी देता हूं आप लोगों को, लेकिन उसके पहले फी स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग आते हैं। बहुत ही ज्यादा नॉमिनल फी है अनअकैडमी प्लस की। जो बच्चा 11th क्लास के अंदर है, जिसको जेई देना है 2021 के अंदर, तो 2 साल प्रिपरेशन करना है, उसके लिए हमारा एक स्पेशली डिजाइन पैकेज है ऑफ 24 मंथ्स, और इस 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फी है बहुत ही ज्यादा नॉमिनल है, ओनली 40,000 रुपीज। ठीक है ना, सिर्फ 40,000 रुपए में आप लोग 2 साल तक IIT की तैयारी कर सकते हो, वो भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ, इतने एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ में। ठीक है ना, तो 40,000 रुपीज उसके लिए बहुत ही ज्यादा नॉमिनल प्राइस है। और उसमें भी एक एडिशनल बेनिफिट मेरी तरफ से आपको मैं दूंगा कि अगर सब्सक्रिप्शन के टाइम पर आप ये कोड यूज करें, BJ मेरा इनिशियल है, तो BJ लाइव कोड यूज करेंगे तो इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फी रिड्यूस होकर रह जाएगी सिर्फ और सिर्फ कितनी, 36,000 रुपए। ठीक है, इसी टाइप से जो बच्चे 12th क्लास के अंदर है या ड्रॉपर है,
उनको जेई देना है 2020 में, तो उनके लिए एक और अपने पास पैकेज है ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है ना, एक साल का सब्सक्रिप्शन पैकेज है और इसकी भी फी उतनी ही नॉमिनल है, 2 साल की 40,000 थी, 1 साल की 25,000 रुपए है। और इसके अंदर भी सेम बेनिफिट मेरी तरफ से आपको मिलेगा कि सब्सक्रिप्शन टाइम पर अगर आप मेरा ये कोड यूज करोगे बीजे लाइव, तो इंस्टेंटली यहां पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपकी ये फी भी रिड्यूस होकर रह जाएगी सिर्फ और सिर्फ कितनी, 22,500 रुपए। तो आई डोंट थिंक इतने नॉमिनल प्राइस के अंदर आपको इतनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इतने एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा, इतने सारे कंटेंट के साथ और कहीं पर भी अवेलेबल हो सकती है। तो अगर आप IIT JEE की प्रिपरेशन सीरियसली कर रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि आप जल्दी से जल्दी अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करें, पहले ट्रायल लें और उसके बाद में सब्सक्राइब करें। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, जैसे कि आप अपने एंड्रॉइड के प्ले स्टोर पर जाओगे, अनअकैडमी को सर्च करना है, पूरा इतना भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ज्यादा ट्रेंडिंग ऐप है कि आप अन लिखोगे इतने में ही ये पहला इस टाइप से ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप, इसके ऊपर टैप करेंगे, टैप करेंगे तो ऐसी विंडो खुलेगी, इस विंडो में भी क्या करना है, सिर्फ सिंगल टैप करना है इंस्टॉल के ऊपर, ऐप इंस्टॉल हो जाएगा जैसे आप बाकी ऐप को भी इंस्टॉल करते होंगे। जैसे ये ऐप इंस्टॉल होगा आपको लॉगिन के लिए बोला जाएगा, मैंने बताया था लॉगिन किससे करना है, आपको फोन नंबर से करना है, ठीक है ना, फोन नंबर से लॉगिन वाली फॉर्मेलिटी पूरी करोगे, अगली ही विंडो में आपसे पूछा जाएगा आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है। तो ऑब्वियसली आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो तो ऑब्वियसली IIT JEE आपका टारगेट रहेगा, तो IIT JEE के ऊपर जैसे ही आप लोग टैप करोगे तो वो वाली विंडो आ जाएगी जो मैंने फर्स्ट स्लाइड के अंदर बताई थी, जहां पर 2 ऑप्शन थे, एक गेट सब्सक्रिप्शन का था और एक फ्री ट्रायल का था। तो आप पहले वहां पर फ्री ट्रायल यूज कर सकते हो और फ्री ट्रायल के बाद में जब आप देख लोगे डेफिनेटली दूसरे तीसरे दिन के अंदर ही आप सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव ऑन कर जाओगे। और जब सब्सक्राइब करना हो तो मैंने आपको क्या बोला, इस टाइप की विंडो खुलोगी, 2 ईयर का प्लान है तो 40,000 रुपीज उसकी रेट है। और जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे उस टाइम पर यहां पर देखना है कूपन कोड आ रहा होगा, तो ये कोड लगाना ना भूलें BJLive, बिकॉज यही आपको दिलवाएगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। जैसे ही आप लोग ये BJLive कोड लगाएंगे और इस अप्लाई के ऊपर टैप करेंगे तो ये फी का फिगर यहां से चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ कितनी, 36,000 रुपए। और उसके बाद जब आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो आप जिस भी मोड ऑफ पेमेंट से आपका पेमेंट करते हो 36,000 रुपीज ही आपके डिटेक्ट होंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल तरीका है अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करने का, पहले आप ट्रायल लें और उसके बाद जब फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाए तभी अनअकैडमी प्लस के ऊपर मूव ऑन कर जाए फॉर रेगुलर पैकेज, फॉर लॉन्ग टाइम पैकेज, ताकि आपकी प्रिपरेशन उसी दिन से बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। आते हम लोग अपने आज वाले लेक्चर के ऊपर जिसमें मैंने आपको बोला है कि लेबलिंग ऑफ ओलियम हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन अपने सामने आता है कि एक्चुअली में ओलियम होता क्या है, व्हाट इज ओलियम, ठीक है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है। तो इवन इसके अंदर भी क्या होता है, कई सारे टीचर्स ही कंफ्यूज रहते हैं, गलत चीज बता देते हैं, वो आधा अधूरा पढ़ते हैं और बोल देते हैं कि ओलियम एक्चुअली में क्या होता है, कंपाउंड होता है। ओलियम क्या होता है, कंपाउंड होता है, ठीक है ना, और उसका फॉर्मूला भी वो बता देते हैं, इवन आप गूगल सर्च करोगे तब भी आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, H2S2O7, ठीक है ना। अगर किसी भी सब्सटेंस का इस टाइप से फॉर्मूला अपने को लिखा हुआ मिल रहा है तो हम भी यही सोचेंगे कि वो क्या होता है, कंपाउंड होता है। लेकिन पहली चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहां पर एक चीज क्लियर कर देता हूं कि ओलियम कंपाउंड नहीं होता है, ठीक है ना, ओलियम जो सब्सटेंस है वो कंपाउंड नहीं होता है। अब कंपाउंड नहीं होता है तो क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग बात करें ओलियम की, तो ओलियम ओलियम की अगर हम लोग बात करें ओलियम तो ओलियम की अगर हम लोग बात करें तो ओलियम बेसिकली क्या होता है, पहली नाम तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वॉट, ठीक है ना, कंपाउंड नहीं होता है, कंपाउंड ना होके क्या होता है, मिक्सचर होता है। और मिक्सचर होता है किसका, मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO2। ओलियम क्या होता है, मिक्सचर होता है किस किस का, H2SO4 एंड SO2 का। और अगर मिक्सचर है तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि वो खुद एक कंपाउंड नहीं, सॉरी SO3 का, SO2 नहीं,
SO3 का होता है, तो H2SO4 एंड SO3 के मिक्सचर को क्या बोला जाता है, ओलियम बोला जाता है। और अब इसी से देख लो, अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, H2SO4 प्लस SO3, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो इसी से बन जाएगा क्या, H2S2O7, ठीक है ना। बिकॉज हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया, सल्फर एक इधर है, एक इधर है, तो सल्फर 2 हो गया, और ऑक्सीजन इधर 4 है और उधर कितना है, 3 है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 7 हो गया। तो H2S2O7 हम लोग इसको लिख देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो लिखना भी इनकरेक्ट है। रीजन, आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में मुझसे ही पढ़ा होगा कि जो मिक्सचर होता है उसका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता, ठीक है ना। ये जो मिक्सचर ऑफ H2SO4 और SO3 है वो किस में हो सकता है, एनी कंपोजिशन में हो सकता है, किस में हो सकता है, एनी कंपोजिशन में हो सकता है। और अगर ये एनी कंपोजिशन में है तो इसको हमेशा ये फॉर्मूला लिखना करेक्ट नहीं होगा। ये तो तभी लिख सकते हैं जब दोनों किसमें हो, 1:1 के मोलर रेशियो में हो, 1 मोल इसका है तो 1 मोल इसका है, तब हम लोग लिख सकते हैं H2S2O7। लेकिन अगर किसी डिफरेंट कंपोजिशन में है तब ओवरऑल जो फॉर्मूला है वो H2S2O7 भी नहीं आएगा। तो इवन इसको भी लिखना इतना ज्यादा करेक्ट नहीं है, सिर्फ एक केस के अंदर ही वो H2S2O7 के इक्वल आएगा, ठीक है। सो क्लियरली हम लोग याद रखें, मिक्सचर ओलियम क्या होता है, मिक्सचर होता है H2SO4 एंड SO3 का, और इसी वजह से इट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूमिंग H2SO4, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। कि अपने पास क्या है, अगर किसी भी बीकर के अंदर ओलियम है तो ओलियम का मतलब नीचे तो क्या होगा, H2SO4 होगा, और इसके ऊपर क्या होंगी, यहां पर फ्यूम्स रहेंगी, ठीक है ना। और ये फ्यूम्स एक्चुअली में किसकी होती है, यहां पर ये सराउंडिंग होता है और ये किसका होगा, SO3 का रहेगा। और कलेक्टिवली इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग, ओलियम बोलते हैं। ओलियम मतलब कि फ्यूमिंग H2SO4। तो पहला मिसकंसेप्शन तो आपका ये क्लियर हुआ कि जो ओलियम होता है वो एक सिंगल कंपाउंड नहीं होता, बल्कि मिक्सचर होता है 2 कंपाउंड्स का। 1 कंपाउंड इज H2SO4 एंड 2nd कंपाउंड इज व्हाट, SO3। तो जब भी कभी अगर आपको ओलियम दिया रहे, तो इसका मतलब क्या समझ में आया अपने को, कि जब भी कभी अगर मुझे ओलियम दिया रहे तो ओलियम को मैं कैसे मानूंगा, जब भी कभी अगर अपने को ओलियम दिया रहे तो हम लोग मानेंगे उसको एज अ मिक्सचर। मिक्सचर मैंने बताया था स्टोइकियोमेट्री में कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे गोला सा बना लेना और इसके 2 पार्ट कर लेना, 2 पार्ट में से एक पार्ट तो होता है क्या, H2SO4, और दूसरा पार्ट क्या होता है, SO3 होता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ओलियम, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो SO3 प्रेजेंट है इसको बोला जाता है फ्री SO3, इसको क्या बोलते हैं, फ्री SO3, फ्री SO3, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री SO3 बोलते हैं, क्लियर। तो पहली चीज, तो जब भी कभी आपको ओलियम दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, उसको एक मिक्सचर मानना है जिसमें 2 सब्सटेंस होंगे, एक H2SO4 होगा और एक SO3 रहेगा, और इनका कंपोजिशन कुछ भी हो सकता है। आई बात समझ में। अब आते हैं इसकी लेबलिंग के ऊपर, लेबलिंग ऑफ ओलियम सैंपल, मतलब कि इसकी कंसंट्रेशन वगैरह को किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके कंपोजिशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, ओलियम इज अ मिक्सचर जिसका कंपोजिशन कुछ भी हो सकता है, तो उसी कंपोजिशन को एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, लेबलिंग यूज करते हैं, ठीक है ना। इट इज यूज टू एक्सप्रेस द कंपोजिशन ऑफ एन ओलियम सैंपल, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, इट इज यूज टू Express the composition of an oleum sample, ठीक है। और वो कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज एन ओलियम सैंपल, लेबलिंग ऑफ ओलियम सैंपल, इसको हम लोग करते हैं किस टाइप से, एज 100+X%, ठीक है ना। लेबलिंग करने का ये तरीका होता है, कैसे लिखते हैं इसको, 100+X% लिखते हैं, ठीक है। अब 100+X%+ लिखने का मतलब क्या हुआ वो देखना, वेयर वेयर, ठीक है, एक्स क्या होगा, एक्स इज मिनिमम मास, मास ऑफ H2O रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड कितने में, वो भी ग्राम्स के अंदर, फॉर फॉर
कंप्लीट रिएक्शन फॉर कंप्लीट रिएक्शन विद ऑल फ्री SO3 ऑल फ्री SO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ओलियम सैंपल सिंपलेस्ट तरीके से मैंने लेबलिंग के लिए आपको फंडा लिखाया है क्या है ये किसी भी ओलियम सैंपल की लेबलिंग कैसे करते हैं हम लोग 100 प्लस एक्स परसेंट इस टाइप से करते हैं अब इसमें 100 क्या है और एक्स क्या है इन दोनों का भी मतलब क्लियर होना चाहिए अपने को तो एक्स क्या है मिनिमम मास ऑफ H2O रिक्वायर्ड ठीक है ना वाटर का मास है विच इज रिक्वायर्ड कौन सी यूनिट में ग्राम्स में फॉर कंप्लीट रिएक्शन विद ऑल फ्री SO3 प्रेजेंट फ्री SO3 का मतलब इस ओलियम सैंपल के अंदर जो SO3 होती है उसी को फ्री SO3 बोलते हैं तो अगर इस ओलियम सैंपल का मैं कितना ले लूं 100 ग्राम ओलियम ले लूं ठीक है ना कितना ले लूं 100 ग्राम ले लूं तो इसके अंदर SO3 जितना भी प्रेजेंट है उसके साथ रिक्वायर्ड उसके साथ रिएक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड H2O के मिनिमम मास को हम लोग क्या बोलते हैं H2O के मिनिमम मास को बोला जाता है क्या X और इसी तरीके से फिर हम लोग ओलियम कर देते हैं कितना 100 प्लस X परसेंट अब रिएक्शन होगी तो वो कौन सी होगी वो भी समझ में आना चाहिए तो उसके लिए देखो रिएक्शन जो होता है वो होता है कि SO3 N प्लस H2O ये मिलकर बना लेते हैं क्या H2SO4 SO3 एंड H2O दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं H2SO4 बना लेते हैं और ये देखो रिएक्शन तो रिएक्शन कैसी है बैलेंस है मतलब बैलेंसिंग के बाद सभी के अंदर रेशियो कितने का 1:1:1 का रेशियो आ जाएगा तो जितना भी SO3 प्रेजेंट है उसके लिए रिक्वायर्ड H2 हम लोग निकाल सकते हैं और उसके बाद में फिर H2SO4 उससे बन जाएगा तो अगर हम लोगों ने उतना क्या किया अपने पास में जैसे कि 100 प्लस एक्स परसेंट ओलियम है तो 100 प्लस एक्स परसेंट ओलियम का 100 ग्राम मैंने लिया और उसके अंदर मैंने एक्स ग्राम वाटर मिला दिया तो फाइनली मेरे को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा पूरा का पूरा H2SO4 बिकॉज जैसे कि ये है मेरे पास में कितना ओलियम है कितना है 100 ग्राम है इसकी लेबलिंग कितना है इसकी लेबलिंग है 100 प्लस एक्स परसेंट तो इसका मतलब इसके अंदर दो चीजें H2SO4 एंड प्लस वॉट SO3 अब इसकी लेबलिंग अगर 100 प्लस एक्स परसेंट है तो ये क्या बोलता है कि इसके 100 ग्राम को वाटर का कितना रिक्वायर्ड होगा एक्स ग्राम रिक्वायर्ड होगा तो अगर मैं इसके साथ में क्या मिला देता हूं एक्स ग्राम वाटर मिला देता हूं क्या मिला देता हूं एक्स ग्राम वाटर तो इसमें प्रेजेंट सारी की सारी SO3 रिएक्ट कर जाएगी और रिएक्ट करके क्या बना लेगी H2SO4 तो पहले से भी H2SO4 था और ये वाली SO3 भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी H2SO4 में तो फाइनली अपने पास में सिर्फ क्या बचेगा फाइनली अपने पास में बचेगा ओनली H2SO4 लेकिन ये H2SO4 कितना हो जाएगा खुद से देखो मास कंजर्वेशन लग जाएगा पहले ये मास कितना था 100 ग्राम उसमें कितना मिलाया मैंने X ग्राम तो अब ये जो आएगा वो कितना आ जाएगा 100 प्लस X ग्राम आ जाएगा ये आएगा 100 प्लस X ग्राम्स ध्यान देना यहां पर 100 प्लस X क्या है लेबलिंग है और वहां पर 100 प्लस X क्या है मास है किसका H2SO4 का ठीक है तो यही कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको कि ध्यान में रखते हुए लेबलिंग ऑफ ओलियम के ऊपर कई टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप ओलियम से रिलेटेड कई टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजीली बना लोगे ध्यान क्या क्या रखना है अपने को कि पहली बात तो ओलियम मिक्सचर होता है दो सब्सटेंस का जिसमें क्या क्या होता है H2SO4 और SO3 होता है SO3 जो होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग फ्री SO3 बोलते हैं दूसरी चीज कि SO3 किसके साथ रिएक्ट कर सकती है वाटर के साथ और क्या बनाती है H2SO4 बनाती है और इसी बेसिस पर ओलियम सैंपल की लेबलिंग करते हैं और वो भी कैसे करते हैं 100 प्लस X परसेंट इस टाइप से करते हैं अब इसके अंदर 100 तो किसका है ओलियम का है और X क्या है उस 100 ग्राम ओलियम में प्रेजेंट SO3 से रिएक्ट कर जाने वाला वाटर का मास ठीक है ना या उसके लिए रिक्वायर्ड वाटर का मास और वो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं और उसके बाद में कई टाइप के क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं जिनको आज के ही इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आई बात समझ में तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस का डिस्कशन
तो जैसे पहला क्वेश्चन है अपने सामने, पहला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें एक और चीज है कि यहां पर देखो ये 100 प्लस x परसेंट था अपने पास में, जिसका 100 ग्राम मैंने लिया, उसके 100 ग्राम में मैंने x ग्राम मिला दिया, तब तो सारा का सारा H2SO4 बन गया। अगर उससे कम या उससे ज्यादा मिलाता तब क्या होता? अगर मैं उससे कम मिलाता, x से थोड़ा सा कम मिलाता तो क्या होता? मिनिमम रिक्वायर्ड कितना है? x रिक्वायर्ड है पूरे कन्वर्जन के लिए, ठीक है ना। तो अगर उससे कम मिलाया तो क्या होगा, कुछ SO3 तो H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ SO3 बची रह जाएगी। तो उस केस में फाइनली अपने को क्या मिलेगा? अगेन मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3, और उस H2SO4 और SO3 के मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम लोग? अगेन ओलियम बोल देंगे। लेकिन वो ओलियम और ओरिजिनल ओलियम दोनों का कंपोजिशन अलग अलग है, तो दोनों की लेबलिंग भी कैसी आएगी? अलग अलग आएगी। उस टाइप के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरी चीज, ज्यादा मिला दिया आपने, सपोज 10 ग्राम की रिक्वायरमेंट है और आपने सपोज 20 ग्राम मिला दिया, तो क्या होगा? वो 10 ग्राम के साथ तो सारी SO3 रिएक्ट करके H2SO4 बना लेगी और बाकी वाटर एज इट इज पड़ा रहेगा। तो अब आपके पास मिक्सचर आएगा किसका? H2SO4 का। किसके साथ में? वाटर के साथ। और मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड वाटर को अपने को पता है ओलियम नहीं बोलते हैं। ओलियम क्या होगा? मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3। तो ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ होगा, और हम अब हम लोग करते हैं इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है ना। कई सारे क्वेश्चंस मैंने लिए, हर एक कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर कवर किया है ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना बचे रिगार्डिंग ओलियम जो आपसे सॉल्व ना हो। एकदम बेसिक से क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और हर क्वेश्चन के अंदर कुछ नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करते हुए उसको एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। और आप खुद से इमेजिन कर सकते हो, जब अनअकैडमी स्टूडियोज एस्केप वेलोसिटी पर आपको इस लेवल का कंटेंट मिल रहा है तो अनअकैडमी प्लस पर किस लेवल का कंटेंट हम लोग डिलीवर करते होंगे उसकी फील आप यहीं से ले सकते हो। तो जरूर से जरूर अनअकैडमी प्लस के ऊपर जाइए, अपना फ्री ट्रायल यूज करिए और उसके बाद उसको लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन के अंदर कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। मिक्सचर दिया हुआ है जिसके अंदर 10 ग्राम H2SO4 है और 40 ग्राम SO3 है, तो उसका अंदर उसने मोल फ्रैक्शन पूछा है H2SO4 का। अभी इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको ये भी नहीं बोला है कि ये ओलियम है, सीधा सीधा बोला है मिक्सचर है 10 ग्राम H2SO4 है और 40 ग्राम क्या है SO3 है। तो क्या करें, बना लेते हैं इसको, ठीक है। SO3 है मेरे पास में और H2SO4 है, ठीक। इसके अंदर SO3 का कितना दे रखा है? SO3 का दे रखा है अपने को 40 ग्राम और इसका दे रखा है अपने को कितना? 10 ग्राम। तो टोटल कितना हो गया अपने पास में? 50 ग्राम हो गया। टोटल कितना हो गया? 50 ग्राम हो गया, ठीक है ना। नाउ उसने अपने से मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो बहुत ही सिंपल टाइप का ये क्वेश्चन है। 40 ग्राम से पहले इसके मोल्स निकाल लें, 40 / 80 मोल्स, बिकॉज 80 इसका मोलर मास होता है, और ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 और अपॉन में 98, ये इसके मोल्स आ जाएंगे। तो अगर मुझे चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 तो उसके लिए क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 कंसंट्रेशन टर्म में निकालना सिखाया था मैंने, क्या होता है? मोल्स अपॉन टोटल मोल। तो H2SO4 का मोल फ्रैक्शन तो उसके मोल्स मतलब कि कितने? 10/98 और डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल का मतलब कितना हो जाएगा? 10/98 एंड प्लस में कितना? 1/2। 40/80 कितना हो जाएगा? 1/2। और फिर इसको हम लोग सॉल्व करके मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये काम तो वो था जो अपने को करना आता है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर हम लोग एक और पार्ट लेते हैं जिसमें आपसे क्या पूछा है? परसेंट लेबलिंग पूछा है ओलियम का, किसके अंदर? प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जो अभी अभी ये डिस्कस किया हम लोगों ने, इसी सैंपल के लिए क्या पूछा गया है अपने से? परसेंट लेबलिंग पूछा गया है। परसेंट लेबलिंग क्या होगा? परसेंट लेबलिंग कैसे करते हैं हम लोग? 100 प्लस एक्स परसेंट से करते हैं। डेफिनेशन पता होना बहुत जरूरी है। 100 प्लस एक्स परसेंट बोलने का मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम ओलियम में जितनी भी SO3 प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करने वाले वाटर का मास कितना होता है? एक्स ग्राम होता है। अभी मेरे पास में जो ओलियम है ये ओलियम का सैंपल कितने ग्राम का है? 50 ग्राम का है। और इस 50 ग्राम सैंपल में SO3 कितनी है? 40 ग्राम है। तो यूनिटरी मेथड से ही हम लोग चलेंगे। अपने को पता है कि सिंस अपने पास 50 ग्राम का ओलियम है और 50 ग्राम ओलियम के अंदर क्या प्रेजेंट है? 40 ग्राम SO3 है। 40 ग्राम SO3 है। तो लेबलिंग के लिए मुझे कितना चाहिए? 100 ग्राम चाहिए। तो पहले तो 100 ग्राम ओलियम के लिए निकाल लेते हैं।
100 ग्राम ऐसा ही ओलियम अगर होता तो उसके अंदर SO3 कितनी आती है, 50 में 40, तो 100 में कितनी, 80 ग्राम SO3 आ जाती है। ठीक है, तो ओलियम तो मैंने ले लिया कितना, 100 ग्राम। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी, और वो x एक्चुअली में क्या है, रिक्वायर्ड वाटर का मास टू रिएक्ट विद ऑल द SO3 प्रेजेंट। ठीक है ना, तो अब रिएक्शन क्या होती है वो ले लेते हैं हम लोग। रिएक्शन मैंने बताया कि SO3 and plus H2O, और इससे बनता है क्या, H2SO4, और ये रिएक्शन कैसी है, बैलेंस्ड है। नाउ इस रिएक्शन के लिए देखो, 100 ग्राम ओलियम से अगर हम लोग देखें तो 100 ग्राम ओलियम से, इस ओलियम से SO3 कितनी आ रही है, 80 ग्राम, 80 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, तो कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। तो इसके लिए अवेलेबल कितनी है अपने पास में, 1 मोल है। और अब इस 1 मोल के लिए रिक्वायर्ड वाटर का मास वो कैसे निकालेंगे, स्टोइकियोमेट्री से 1:1 का रेशियो है, तो 1 के लिए इसका जो रिक्वायर्ड होगा वो भी कितना होगा, 1 मोल हो जाएगा। और 1 मोल वाटर का मास तो अपने को पता ही है कितने ग्राम आ जाएगा, 18 ग्राम आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 100 ग्राम ओलियम है तो उसके लिए रिक्वायर्ड एक्स कितना है, 18 ग्राम है। और अगर ऐसा है तो लेबलिंग ऑफ ओलियम कितना हो जाएगा, अगर हम लोग बात करें ओलियम तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 18, मतलब कि कितना, 118% ओलियम। ठीक है, जो ओलियम सैंपल अपने को दिया हुआ है उसकी लेबलिंग अगर हम लोग करें तो कितनी आ जाएगी, 118% ओलियम। ध्यान से देखो, इतना नीट एंड क्लीन कैलकुलेशन से हम लोगों ने यूनिटरी मेथड ही यूज किया है, ज्यादा कुछ भी यूज नहीं किया है। यूनिटरी मेथड यूज करके हम लोगों ने परसेंट लेबलिंग ऑफ ओलियम निकाला है, और वो कितना है, 118%। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे उसके अंदर। और उसके अंदर अपने से रिवर्स में पूछा है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ फ्री SO3 इन 50 ग्राम ऑफ 104.5% ओलियम। जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया ना, इसके अंदर अपने को SO3 का मास पता था, SO3 का मास पता था, और उससे हम लोगों ने लेबलिंग निकाला है। और अब अपने को लेबलिंग तो दिया हुआ है, और उससे फ्री SO3 का मास पूछा है कितने में, 50 ग्राम के अंदर। तो इसको भी क्या करें, डेफिनेशन से ही सॉल्व करें। अपने को 104.5% ओलियम दे रखा है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 और प्लस कितना, 4.5%। ठीक है ना, और 100 प्लस 4.5% लिखने का मतलब क्या हुआ, वो लैंग्वेज से देखो, इसको लिखने का मतलब क्या हो जाएगा कि फॉर 100 ग्राम ओलियम, 400 ग्राम ओलियम कितना रिक्वायर्ड है, कितना रिक्वायर्ड है, 4.5 ग्राम H2O रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर 100 प्लस 4.5% ओलियम है तो उसका लैंग्वेज में मीनिंग क्या होगा कि 100 ग्राम ओलियम को कितना H2O रिक्वायर्ड है, 4.5 ग्राम H2O रिक्वायर्ड है। लेकिन ओलियम अपने पास में कितना है, ओलियम का सैंपल उसने 100 ग्राम नहीं दे रखा है, कितना दे रखा है, 50 ग्राम दे रखा है। तो फिर से वही यूनिटरी मेथड कर लेते हैं। सो अगर हम लोग निकालें फॉर 50 ग्राम ओलियम, तो 50 ग्राम ओलियम के लिए कितना निकलना चाहिए बताओ, 100 का 50 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 2.25 ग्राम्स किसका, H2O का। ठीक है, अब ये जो H2O है ये एक्चुअली में क्या है, वाटर से रिएक्ट करता है। तो रिएक्शन वापस से लिख लेते हैं हम लोग, रिएक्शन क्या होगी, H2O प्लस वॉट SO3, और इससे क्या बनता है, H2SO4 बनता है। ठीक है ना, इससे बनता है क्या, H2SO4। वही रिएक्शन यूज कर रहे हैं जिसमें 1:1 का रेशियो है। और अब देखो, 2.25 ग्राम H2O अपने पास में, 2.25 ग्राम H2O का मतलब कितना हो गया, 2.25 डिवाइडेड बाय 18 मोल्स। ठीक है ना, तो ये अगर निकाल कर देखें तो 1/8 मोल्स आ जाएगा। और इसके 1/8 मोल के लिए, 1:1 का रेशियो है ना, 1/8 मोल के लिए SO3 का भी कितना होना चाहिए, 1/8 मोल होना चाहिए। और 1/8 मोल SO3 का मतलब कितना हो गया, 1/8 इंटू इसका मोलर मास होता है 80, और 1/8 इंटू मोलर मास 80, तो ये आ जाएगा कितना, 10 ग्राम। और ये कौन सी SO3, फ्री SO3। ठीक है ना, और ये 10 ग्राम फ्री SO3 कितने में निकल कर आई है,
50 ग्राम ओलियम सैंपल में निकल कर आई है, 100 में नहीं निकल के आई है, 50 ग्राम में निकल कर आई है। 50 ग्राम में कितना प्रेजेंट है? 10 ग्राम फ्री SO3, और वही अपने से पूछा गया था। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। अगर अपने को कंपोजिशन दे रखा है तो अपने को लेबलिंग निकालना आना चाहिए, और लेबलिंग दे रखी है तो भी अपने को कंपोजिशन निकालना आना चाहिए, और उसके लिए कोई फॉर्मूला वगैरह रटने की जरूरत नहीं है, बस डेफिनेशन आप याद रखो, हर क्वेश्चन इजिली बनता चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट के अंदर इस बार उसने अपने को मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है और लेबलिंग पूछा है। मोल फ्रैक्शन है किसका? SO3 का, कितना? 0.5। बात आई समझ में? SO3 का मोल फ्रैक्शन है कितना? 0.5। और ओलियम में क्या क्या होता है? H2SO4 और SO3 दोनों होता है। मैंने आपको बोला जब भी अपने को ओलियम दे रखा है तो आप ऐसे मिक्सचर बना लोगे। इसके कितने पार्ट्स कर लेंगे? दो पार्ट्स कर लेंगे, एक तो है H2SO4 और एक है अपने पास में क्या? SO3। ठीक है, अब 0.5 मोल फ्रैक्शन होने का मतलब क्या हुआ? 0.5 होने का मतलब कि अगर इसका मेरे पास में 1 मोल है, अगर H2SO4 का 1 मोल है तो SO3 का भी कितना होगा? 1 मोल होगा, तभी जाकर दोनों के मोल फ्रैक्शंस कैसे आ जाएंगे? सेम आ जाएंगे। नाउ H2SO4 1 मोल होने का मतलब कितना आ जाएगा? 98 ग्राम्स, और 1 मोल SO3 होने का मतलब कितना आ जाएगा? 80 ग्राम्स आ जाएगा। तो ओलियम सैंपल का अगर मैं मास निकालूं तो ओलियम सैंपल का मास कितना आ जाएगा? ओलियम सैंपल विल बी इक्वल टू व्हाट? 98 और प्लस कितना? 80, तो यह आ जाएगा 178 ग्राम्स। तो ओलियम सैंपल ही मेरे पास अभी कितना है? 178 ग्राम है, और उसमें SO3 जो है वो कितना प्रेजेंट है? 80 ग्राम, मतलब कि 1 मोल प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या करें? हम लोग क्या करते हैं, पहले तो रिक्वायर्ड वाटर निकालते हैं, ठीक है ना? रिक्वायर्ड वाटर कैसे निकालेंगे? रिएक्शन से SO3 प्लस H2O ये मिलकर क्या बनाता है? H2SO4 बनाता है, H2SO4 बनाता है, और इस रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड कितना है? SO3 अगर 1 मोल है तो रिक्वायर्ड H2O भी कितना आ जाएगा? 1 मोल आ जाएगा। 1 मोल का मतलब कितने ग्राम आ जाएगा? 18 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। और अब क्या करेंगे हम लोग? वही यूज करेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? 100 प्लस एक्स परसेंट टाइप से होता है, जहां पर एक्स क्या होता है? रिक्वायर्ड बाय 100। अभी मेरे पास में ओलियम कितना है? 178 है, तो आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हो इजीली। क्या? कि फॉर 178 ग्राम ओलियम, 178 ग्राम ओलियम वाटर रिक्वायर्ड कितना आ रहा है अपने पास में? वाटर रिक्वायर्ड आ रहा है 18 ग्राम H2O रिक्वायर्ड। लेकिन लेबलिंग के लिए तो कितने के लिए निकालना होता है अपने को? 100 ग्राम के लिए चाहिए होता है। तो फॉर 100 ग्राम ओलियम, 100 ग्राम ओलियम के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? यूनिटरी मेथड से निकाल लेते हैं, 18 अपॉन में कितना? 178, और मल्टीप्लाइड बाय कितना? 100 ग्राम H2O, और ये 100 ग्राम H2O ही किसकी वैल्यू है? X की वैल्यू है। तो अगर अब अपने को पुट करना है क्या? लेबलिंग के लिए वैल्यूज, तो लेबलिंग के लिए वैल्यूज पुट करें तो कैसे आ जाएगी? देखो, सो अगर अब लेबलिंग निकालना है तो क्या हो जाएगा? 100 और प्लस में कितना जाएगा? देखो, ये पूरा का पूरा पुट करें हम लोग तो 1800 अपॉन 178, 1800 अपॉन कितना? 178%। सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना? ये 1780 हो जाएगा, तो ये 3580 हो जाएगा, 3580 अपॉन 178 वैल्यू आप निकाल सकते हो, इतने परसेंट ओलियम ये आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कोई सा भी टफ नहीं होता, बस अपने को थोड़ा सा पेशेंस के साथ में और थोड़ा सा लॉजिकल होकर डेफिनेशन को याद रख के सॉल्व करना पड़ता है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और थोड़ा सा लॉजिकल है। अपने को 109% ओलियम का, 109% ओलियम का 100 ग्राम दिया हुआ है, ये भी देखना बहुत जरूरी है कि दिया हुआ कितना है। 109% ओलियम का 100 ग्राम दिया हुआ है, उसके अंदर तीन अलग अलग वाटर मिला है, मतलब सैंपल अपने पास में अलग अलग है। एक बार 100 ग्राम के अंदर 9 ग्राम मिला है, एक बार 100 ग्राम के अंदर 18 ग्राम मिला है, और एक बार 100 ग्राम के अंदर 120 ग्राम मिला है। तो उसने कंपोजिशन पूछा है, फाइनल फाइनल कंपोजिशन क्या होगा, जिसके बारे में मैं अभी बात भी आप लोगों से कर रहा था कि कैसे हम लोग फाइनल कंपोजिशन की बात करते हैं। तो देखो, 109% का मतलब क्या हुआ, पहले तो वो लिख लो।
109% का मतलब क्या हुआ, अब तो थोड़ा ओरली कर सकते हैं हम लोग, 109% मतलब 100 ग्राम ओलियम को कितना रिक्वायर्ड होगा, 100 ग्राम ओलियम रिक्वायर्स हाउ मच, 9 ग्राम वाटर, 9 ग्राम वाटर एग्जैक्टली, ये इसका मतलब होगा कि अगर 109% है तो उसको मिनिमम टू मिनिमम कितना रिक्वायर्ड है, 9 ग्राम रिक्वायर्ड है, और 9 ग्राम रिक्वायर्ड है तो क्या हो जाएगा कि सारी जो SO3 है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सारी की सारी SO3 कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, H2SO4 में। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, अगर मैं 100 ग्राम ओलियम के अंदर 100 ग्राम ओलियम लिया मैंने और इसके अंदर मैंने सिर्फ कितना मिलाया, 9 ग्राम वाटर मिलाया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अपने को फाइनली मिलेगा क्या, 109 ग्राम किसका, H2SO4 का, ये फाइनली आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें प्रेजेंट सारी की सारी SO3 वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेगी, H2SO4 बना लेगी, ये फर्स्ट पार्ट अपना हो जाएगा, इसके अंदर कोई समस्या नहीं है। सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो सेकंड पार्ट में फिर से वापस से यही 100 ग्राम ओलियम मैंने लिया, ठीक है, और इसके अंदर अब मिलाया कितना मैंने, 18 ग्राम वाटर मिला दिया, तो अब खुद से सोचो क्या होना चाहिए, इस ओलियम को रिक्वायरमेंट तो कितने की थी, 9 ग्राम की, आप दे कितना रहे हो, 18 ग्राम दे रहे हैं, तो 9 ग्राम से तो क्या हो जाएगा, 109 ग्राम H2SO4 बन जाएगा, और बाकी किस फॉर्म में बना रहेगा, वाटर के फॉर्म में ही बना रहेगा, मतलब अब जो अपने को मिलेगा वो मिक्सर मिलेगा किस किस का, 109 ग्राम तो H2SO4 एंड प्लस 9 ग्राम किसका, H2O का। इस बार दो चीजें होंगी, H2SO4 भी होगा और 9 ग्राम वाटर भी होगा, और थर्ड पार्ट तो आप खुद से कर ही सकते हो, 120 ग्राम वाटर उसने मिलाया, तो थर्ड पार्ट के अंदर क्या हो जाएगा, वही 100 ग्राम ओलियम है, इसके अंदर हम लोगों ने 120 ग्राम वाटर मिलाया है, 120 ग्राम वाटर मिलाया है, तो रिक्वायरमेंट तो कितने की है, 9 ग्राम की है, तो वो मिलकर तो क्या बना लेगा, 109 ग्राम तो इसके अंदर क्या होगा, H2SO4 होगा, और बाकी क्या होगा इसके अंदर, H2O रहेगा, ठीक है ना। टोटल कितना, 100 प्लस 120, टोटल कितना आ जाएगा, 220 ग्राम आ जाएगा, जिसमें से H2SO4 का कितना होगा, 109 ग्राम होगा, तो इसका कितना बचेगा, 111 ग्राम बचेगा, ये फाइनल कंपोजिशन हो जाएगा जब हम लोग 100 ग्राम 109% ओलियम के अंदर 120 ग्राम वाटर मिलाएंगे। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 109% ही ओलियम है लेकिन उसके अंदर 6 ग्राम वाटर मिलाया, तो उसने पूछा है कि परसेंट लेबलिंग ऑफ रिजल्टेंट ओलियम कितना होगा। ये भी थोड़ा थोड़ा लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है बिकॉज उसमें भी 109% ही लिया था, और 109% ओलियम का मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम को 9 ग्राम वाटर रिक्वायर्ड है, 9 ग्राम मिला देंगे तो पूरा का पूरा H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसने किया क्या है, 109% के अंदर मिलाया सिर्फ कितना है, 6 ग्राम वाटर मिलाया है, ठीक है ना। अपने पास में एक ओलियम है, कितने ग्राम है, 100 ग्राम है, ठीक है ना। इस 100 ग्राम के अंदर दो चीजें हैं, एक तो H2SO4 है और एक कितना है, SO3 है, ठीक है। इसको रिक्वायरमेंट कितने की है, 9 ग्राम की है, 9 ग्राम की है मतलब हाफ मोल की कंपोजिशन हम लोग निकाल सकते हैं। मैंने आपको कंपोजिशन निकालने के लिए पहला ही क्वेश्चन कराया, ये वाला क्वेश्चन कराया था, इस टाइप से आप SO3 निकाल सकते हो, तो वो SO3 मैंने यहां पर भी निकालना चाहा। 100 ग्राम को 9 ग्राम वाटर रिक्वायर्ड है, 9 ग्राम वाटर मतलब कि हाफ मोल, और हाफ मोल वाटर के लिए SO3 भी कितना, हाफ मोल होना चाहिए, हाफ मोल SO3 का मतलब कितना हो जाएगा, 40 ग्राम हो जाएगा, तो ये SO3 तो इसके अंदर कितनी है, 40 ग्राम है, और ये H2SO4 इसके अंदर कितना है, 60 ग्राम है, ठीक है। अब इसको रिक्वायर्ड कितना है, 9 ग्राम है, आप मिला इसके अंदर रहे हो सिर्फ 6 ग्राम वाटर, तो इसके अंदर अगर आपने 6 ग्राम वाटर मिलाया तो सारा का सारा वाटर सारी SO3 को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, मतलब इसके अंदर क्या होगा, फिर से आपके पास मिक्सचर आ जाएगा किसका, H2SO4 और SO3 का, और मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3 कितने मास का होगा, खुद से सोचो पहले, तो 100 ग्राम और प्लस 6 ग्राम, तो टोटल मास इसका कितना हो जाएगा,
106 ग्राम होगा। अब इसमें H2SO4 कितना होगा और SO3 कितना होगा वो निकाल सकते हैं हम लोग। उसके लिए क्या करना है, रिएक्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। रिएक्शन क्या होगी, H2O प्लस SO3 कन्वर्टिंग इनटू व्हाट, H2SO4। अब देखो यहां पर LR का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना। देखो इस रिएक्शन के लिए क्या है, H2O कितना मिलाया मैंने, 6 ग्राम मिलाया। 6 ग्राम मतलब कि 1/3 मोल मिलाया। SO3 कितना मोल है मेरे पास में, 1/2 मोल है, ठीक है। और ऑलरेडी H2SO4 भी प्रेजेंट है, वो कितना है वो अभी ले लेंगे हम लोग, ठीक है ना। नाउ इस रिएक्शन में LR देखें तो ये H2 आएगा, तो H2O LR है, तो ये तो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ये बचेगा कितना बचेगा, 1/2 माइनस कितना, 1/3 मतलब 1/6 मोल, ठीक है ना। और ये बनेगा कितना बनेगा, 1/3 मोल बनेगा, ठीक है। तो फाइनली अपने पास में जो आएगा ओलियम, उसके अंदर H2SO4 तो टोटल कितना हो चुका है, पहले से 60 ग्राम और प्लस 1/3 यहां से बना, 1/3 तो मोल है, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास जो 98 होता है, तो ये 98 अपॉन में कितना, 3 ग्राम। और प्लस SO3 भी है, तो SO3 कितना हो जाएगा, SO3 इज 1/6 मोल, और 1/6 मोल का मतलब 1/6 मोल ही ले लेते हैं इसको, चलो 1/6 मोल। अब इस ओलियम सैंपल की मुझे लेबलिंग करनी है, तो वो तो इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अपने पास में ओलियम सैंपल कितना है, 106 ग्राम है, तो इसकी लेबलिंग कैसे करें, 1/6 मोल को अब कितना रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना। अब जो नया ओलियम आया है इसको मैं दोबारा यहां पर बना लेता हूं। ये कितना है अपने पास में, इसके अंदर H2SO4 है एंड SO3 है, जिसका मास है कितना, 106 ग्राम। और इसके अंदर ये जो SO3 है, ये SO3 कितना है, 1/6 मोल्स है, H2SO4 से मतलब नहीं है। तो अब इसके लिए रिक्वायर्ड अमाउंट कितना होगा वो कैसे निकाले, SO3 प्लस H2O, और इससे क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा, ठीक है। SO3 कितना है मेरे पास में, SO3 है 1/6 मोल, तो 1/6 मोल्स के लिए H2O भी कितना चाहिए होगा, 1/6 मोल्स चाहिए होगा, और 1/6 मोल्स H2O का मतलब कितना हो जाएगा, 3 ग्राम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 ग्राम्स, ठीक है। और अब यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं हम लोग, और यूनिटरी मेथड लगा लें तो क्या हो जाएगा, अपने को पता है सिंस 106 ग्राम ओलियम, 106 ग्राम ओलियम के लिए कितना रिक्वायर्ड है, 3 ग्राम H2O रिक्वायर्ड है। लेकिन निकालना कितने के लिए होता है, लेबलिंग के लिए, 100 ग्राम ओलियम के लिए निकालना होता है। तो 100 ग्राम ओलियम की अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 106 इंटू 100, और ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, X की। और ये वैल्यू अगर X की हो गई, तो अब लेबलिंग ऑफ ओलियम के अंदर हम लोग बात करें तो कितना हो जाना चाहिए, 100 और प्लस X, X का वैल्यू कितना, 300 अपॉन 106%, ठीक है। तो ओरिजिनल जो ओलियम सैंपल था वो कितना था, 109% था, वो था 109%। फिर उसके अंदर जितना वाटर चाहिए उससे कम वाटर हम लोगों ने मिलाया, तो उससे वापस से क्या बनेगा, ओलियम ही बनेगा। कैसा ओलियम बनेगा वो भी हम लोगों ने निकाला, और अब अपने से पूछा था उस नए ओलियम का लेबलिंग क्या होगा। तो वापस से नया ओलियम यहां पर हम लोगों ने बनाया, इसके अंदर क्या क्या था, इसके लिए रिक्वायर्ड वाटर निकाला, और फिर यूनिटरी मेथड से इसकी भी लेबलिंग हम लोगों ने निकाल ली, ठीक है ना। हर क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से ही कर पा रहे हैं, बिकॉज डेफिनेशन अपने को क्लियर है, तो डेफिनेशन ही अपने को याद रखनी होती है इस ओलियम के प्रॉब्लम्स के अंदर, तो इजीली बनते चले जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम जिसमें 12.5 ग्राम H2SO4 है, फ्यूमिंग H2SO4 है, सिर्फ H2SO4 नहीं है, फ्यूमिंग H2SO4 है, जिसकी लेबलिंग दी है 112%, मिक्स किया किसके साथ, 100 लीटर के साथ, बहुत लार्ज अमाउंट है, ठीक है ना। ये जो 100 लीटर अमाउंट है ये कैसी अमाउंट है, लार्ज अमाउंट है, वेरी लार्ज अमाउंट है, इट इज वेरी लार्ज, ठीक है। इसके बाद इसमें उसने अपने मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ पूछा है,
ठीक है ना, बाकी और कुछ भी नहीं। तो उसके लिए H2SO4 का कंसंट्रेशन पहले निकालना पड़ेगा। 112% H2SO4 का मतलब क्या होगा कि 100 ग्राम को कितना रिक्वायर्ड है, निकाल सकते हैं हम लोग। 112% का मतलब, ये जो 112% है इसका मतलब क्या होगा कि 100 ग्राम ओलियम को कितना रिक्वायर्ड है, 12 ग्राम वाटर रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। और अगर 12 ग्राम वाटर रिक्वायर्ड है तो इसके मतलब कितने मोल्स हो गए, 2/3 moles हो गए, ठीक है ना। 12 ग्राम H2O का मतलब 2/3 moles रिक्वायर्ड है, और 2/3 mole H2O के लिए SO3 भी कितना होना चाहिए, देखो ओरली कर रहे हैं, 2/3 moles ऑफ H2O के लिए SO3 भी कितना होना चाहिए, 2/3 moles ही होना चाहिए। और 2/3 moles ऑफ H2O यहीं पर लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। 100 ग्राम ओलियम अगर मैंने लिया तो इसके अंदर क्या होगा, 12 ग्राम H2O रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। 12 ग्राम H2O मतलब कितना मोल, 2/3 mole। तो इसके साथ रिएक्ट कौन करेगा, 2/3 mole किसका, SO3 का। और 2/3 mole ऑफ SO3 का मतलब कितना हो जाएगा, 2/3 into 80 मतलब 160/3 gram SO3, ठीक है ना। तो अपने पास जो 100 ग्राम ओलियम था उसके अंदर SO3 कितनी प्रेजेंट है, 160/3 gram SO3 प्रेजेंट है। तो H2SO4 कितना होगा वो भी निकाल सकते हैं हम लोग, है ना, वो भी निकाला जा सकता है, क्लियर। अब इस 160/3 gram SO3 के लिए रिक्वायर्ड कितना है अपने पास में, 2/3 moles ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है। उसको जब हम लोगों मिला देंगे तो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब फाइनली अगर हम लोग बात करें तो फाइनली अपने पास क्या होगा, जितना चाहिए उससे ज्यादा ही मिला रहे हैं। 100 ग्राम को ही 12 ग्राम चाहिए, आप तो 12.5 ग्राम ले रहे हो, ओलियम तो कम ले रहे हो और इसको 100 लीटर ले रहे हैं, बहुत लार्ज अमाउंट हम लोग मिला दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर जितनी भी SO3 प्रेजेंट है वो सारी H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फाइनली जो H2SO4 मेरे पास में आएगा वो कितना आ जाएगा, 12.5 ग्राम तो मेरे पास में कितना था, ओलियम था, और उसकी सारी SO3 H2O में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 12 ग्राम H2O की रिक्वायरमेंट है, 12 ग्राम H2O तो कितने को रिक्वायर्ड है, 100 ग्राम को रिक्वायर्ड है। तो 12.5 ग्राम को कितना रिक्वायर्ड हो जाएगा, कितना रिक्वायर्ड हो जाएगा, 12/8, ठीक है ना। बिकॉज 12.5 कितना होता है, 100/8 होता है। तो अगर 100 ग्राम को 12 ग्राम रिक्वायर्ड है तो 12.5 ग्राम को कितना रिक्वायर्ड हो जाएगा, 12/8, और 12/8 का मतलब कितना हो गया, 12/8 का मतलब हो गया 3/2, ठीक है ना। 3/2 1.5 मतलब कि कितना आ जाएगा, 14 ग्राम H2SO4 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, 14 ग्राम H2SO4। फाइनली अपने पास SO3 सारी खत्म हो जाएगी और उसके बाद में H2SO4 कितना, 14 ग्राम आ जाएगा। कितने में, 100 लीटर में। उसने बोला है कि H2SO4 completely dissociate होता है और no change in volume upon mixing। तो अब इससे आप क्या कर सकते हो, concentration of H2SO4 निकाल सकते हो, final concentration of H2SO4 के लिए। H2SO4 के लिए क्या क्या चाहिए, moles। 14 ग्राम इसका मास है और divided by molar mass होता है कितना, 98। ये तो क्या हो गए, moles हो गए, और divided by volume कितना बोला है उसने, 100 liter बोला है। तो ये आ जाएगी कितनी, 1/7, तो ये 1/700 molar। लेकिन कंसंट्रेशन किसका पूछा गया अपने से, कंसंट्रेशन पूछा गया है H प्लस का, और अपने को पता है कि H2SO4 इन एक्वस मीडियम आयोनाइज होगा। उसने खुद ने बोला है कंप्लीटली आयोनाइज होता है, कैसे, ट्वाइस ऑफ H प्लस एक्वस एंड प्लस वॉट SO4 2- एक्वस, इस टाइप से ये आयोनाइज हो जाएगा। तो एक H2SO4 से 2H+ मिलता है और एक H2SO4 से 2H+ अगर मिलता है तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ जो होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ एक्वस, इट विल बी डबल ऑफ दिस, और डबल ऑफ दिस मतलब 2/700 molar, 2/700 या 1/130, 350 भी हो सकता है। ऑप्शन देखें तो ए ऑप्शन के अंदर ही अपने को आंसर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, 2/700 molar,
एनी प्रॉब्लम? तो 2/700 मोलर बहुत इजीली तरीके से निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन की अगर अपीयरेंस देखोगे तो थोड़ा सा डरावना सा लगता है, लेकिन फिर भी सिस्टमैटिकली हम लोग करेंगे तो इस क्वेश्चन का भी आंसर निकल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं आज के लेक्चर का, जिसके अंदर उसने मोल्स ऑफ KOH रिक्वायर्ड पूछा है अपने से, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ 500 ग्राम ऑफ 118% ओलियम एंड एक्सेस ऑफ वाटर। ये भी थोड़ा थोड़ा पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है ना। यहां पर भी हम लोगों ने H2SO4 का सोल्यूशन प्रिपेयर किया, अब उसकी रिएक्शन के लिए KOH रिक्वायर्ड उसने पूछ लिया। तो क्या करें देखो, 118% ओलियम का मतलब क्या हुआ, पहली बात तो 118% ओलियम इसका मतलब क्या होगा कि 100 ग्राम ओलियम प्लस अगर हम लोग क्या कर दें 18 ग्राम वाटर मिला दें, ठीक है ना, तो इससे अपने को क्या मिल जाएगा, 118 ग्राम H2SO4 मिल जाएगा। ये चीज समझ में आती है? अब थोड़ा सा और कंक्लूसिवली मैंने इसको लिखा है कि 100 ग्राम 118% ओलियम का मतलब 100 ग्राम ओलियम में अगर मैं 18 ग्राम वाटर मिला दूं तो फाइनली मुझे 118 ग्राम H2SO4 मिलेगा। वाटर तो उसने किस में दिया हुआ है, एक्सेस में दिया है, पानी की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना, एक्सेस ऑफ वाटर दिया हुआ है, लेकिन ये लिया कितना है, 500 ग्राम लिया हुआ है। इसके ऊपर भी अपने को गौर फरमाना है, ठीक है ना। तो गौर कैसे फरमाएंगे, ऐसे कि अगर अब अपने पास में इसी का 500 ग्राम ओलियम होता, 500 ग्राम ओलियम होता तो उसको रिक्वायर्ड कितना होता, 100 को 18 रिक्वायर्ड है तो 500 को कितना रिक्वायर्ड होता, 90 ग्राम वाटर रिक्वायर्ड होता, और वो सारी SO3 को H2SO4 में कन्वर्ट कर देता, मतलब अपने पास होता कितना, 590 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है ना। अपने पास क्या होता, 590 ग्राम्स ऑफ H2SO4। सो फाइनली अगर बात की जाए H2SO4 मेरे पास में कितना होता, H2SO4 होता 590 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, और डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 98, तो इतने मोल्स अपने पास में इसके आ गए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, सॉरी 590, हाँ। अब उसने पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH रिक्वायर्ड, तो KOH बेस है और H2SO4 एसिड है, तो दोनों के बीच में क्या होती है रिएक्शन, जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। उसने बोला है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए KOH के मोल्स निकालो, तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, H2SO4 प्लस KOH, इससे क्या बनना चाहिए, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में बनेगा K2SO4 एंड प्लस वॉट, H2O। बैलेंसिंग अगर हम लोग करें तो ट्वाइस ऑफ KOH और ट्वाइस ऑफ H2O ये हो जाएगा। और अब इसके बाद देखो सॉल्व कैसे करना है अपने को, तो लास्ट टाइम फाइनली H2SO4 कितना आ गया, 590, ठीक है ना, अपॉन 98, ये है अपने पास में 590 अपॉन 98 मोल्स। और अब बैलेंसिंग से अगर देखें तो दोनों के बीच में रेशियो कितने का है, 1:2 का रेशियो है, और 1:2 का रेशियो है तो मोल्स ऑफ KOH रिक्वायर्ड ये कितने आ जाएंगे, 2 × 590 अपॉन में कितना, 98 मोल्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 590 अपॉन में कितना, 49 मोल्स, इतने मोल्स आ जाएंगे KOH के, विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H2SO4 प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 500 ग्राम ऑफ 118% ओलियम इन एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये भी ओलियम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। तो आज के लेक्चर में जितने भी पॉसिबल टाइप के क्वेश्चंस हो सकते थे रिलेटेड टू ओलियम, वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो अगर आप लोगों से कॉपी पेन पर वापस से क्वेश्चन बन जाते हैं तो मानकर चलना कि आपको ओलियम वाला कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आ गया है, ठीक है ना। और अगर अच्छे तरीके से आ गया है, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जो भी आपके रेस्पॉन्सेज हो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, और ज्यादा से ज्यादा जनता के अंदर इस चैनल को शेयर करें। और अगर लास्ट में मैं वापस से बोलूंगा, अगर IIT JEE के बारे में सीरियसली आप लोग सोच रहे हैं तो अनअकैडमी प्लस को जरूर से जरूर ज्वाइन करें, पहले
फ्री में ज्वाइन करें 7 दिन तक, और उसके बाद ऑटोमेटिकली आप लोग स्विच कर जाओगे फॉर लॉन्ग टाइम पैकेजेस, इतनी मेरी गारंटी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।